बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा डर ही है कि बेचारे आएंगे भी और सभी सीटें हारेंगे भी। दीवार में लिखा हुआ इबारत है, चुनाव के बाद बोरिया बिस्तर लेके भाजपा को यहाँ से भेजेगा। फॉलोअप का ही मतलब है कि फॉलो करना है होम मिनिस्टर के विजिट को और अपडेट करना है, फॉलो करना है, अपडेट करना। एंड ऑफ डेमोक्रेसी, एंड ऑफ डेमोक्रेसी के वो स्पेशल डायरेक्टर है मिस्टर बी एल मरांडी जी। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये कह के सबको चौंका दिया कि झारखंड में ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम बाबूलाल मरांडी है और वो तय करते हैं कि ईडी किस पे कार्रवाई करे, किसको रिलीफ दे, किसको नहीं दे। ऐसा क्यों कहा जेएमएम ने? हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। दादा, ऐसा क्यों लगता है कि वो डायरेक्टर, वो तो नेता है? नेता है तो हमने कहा बोला कि वो नेता नहीं, तो आप डायरेक्टर बता रहे हैं उनको। कौन सा ईडी? एंड ऑफ डेमोक्रेसी, एंड ऑफ डेमोक्रेसी के वो स्पेशल डायरेक्टर है मिस्टर बी एल मरांडी जी। क्यों? वो लोकतंत्र के हिमायती रहेगा, वही नेता होगा, तो एंड ऑफ डेमोक्रेसी क्यों करेगा? तो फिर कानून का सम्मान क्यों नहीं होगा? जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिनको नोटिस किया, उनके घर पे छापा मारा, कई सौ करोड़ रुपए मिले, कई सौ राउंड कारतूसें मिली, आप उनकी मुलाकात, उनका जो डिपार्टमेंट, जो पेन डिपार्टमेंट है, उनकी इंचार्ज मिनिस्टर से करवाते हैं, तो ये तो कानून का वायलेशन हुआ और कानून का वायलेशन एंड ऑफ डेमोक्रेसी है। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी से मिल सकता है, निर्मला सीतारमण से कमलेश जी या विष्णु अग्रवाल मिले, तो आपको लग रहा है कि वो बाबूलाल की पहल थी? तस्वीर तो यही कहती और मुझे लगता है कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं कहती। अमित शाह भी आ रहे हैं कल, हो सकता है उनके जाने के बाद बहुत सारे तस्वीरें आए, इसलिए तो हमने कहा है कि पत्रकारों को भी एक स्लॉट दिया जाए। हमने तो आपकी पैरवी की ना पांडे जी, मतलब ऐसे लोगों को अलग से मिले जी, ताकि हाँ उनका महत्व आपको मालूम चले। अरे पांडे जी को महत्व मालूम ना चले कि गृहमंत्री जी आ रहे हैं, किनसे मिलेंगे, तो पांडे जी फॉलोअप चला कैसे पाएंगे? फॉलोअप का ही मतलब है कि फॉलो करना है होम मिनिस्टर के विजिट को और अपडेट करना है, फॉलो करना है, अपडेट करना है, फॉलोअप करना है। तो ये जो आप चाह रहे हैं कि बीजेपी एक लिस्ट बना के वैसे लोगों का अलग से गृह मंत्री से मुलाकात करा दे, तो वैसे लिस्ट में तो हेमंत जी का भी नाम आ सकता है ना? हेमंत जी वो पॉलिटिकल कारण से आते हैं और यदि होम मिनिस्टर से प्रोटोकॉल में हेमंत जी बड़े हैं, सीएम बड़ा होता है, तो उनको यदि मिलना मिल सकते हैं। आपका बात से गुस्सा हो गए हेमंत विश्वे शर्मा, उन्होंने आपको चिट्ठी भेजा है आपके पुलिस डिपार्टमेंट को कि जो हम आ रहे हैं वो जो खर्चा हो रहा है, सुप्रियो दा ने कहा कि भाई एक्स्ट्रा वाहन है तो आप हमको बिल भेज दीजिए, हम रिमबर्स कर देंगे। तो हम बिल किनको भेजेंगे? असम गवर्नमेंट को, असम पुलिस को। पुलिस अब वसूली करेगी क्या राजनीतिक तौर पर? एक तो ईडी करती थी, छापा मार के पॉलिटिकल बॉन्ड लेती थी, इलेक्टोरल बॉन्ड लेती थी, अब आसाम पुलिस भी यही शुरू की है क्या? आपने कहा ना कि झारखंड का बेवजह खर्चा हो रहा है, लोग डेली आ जाता है जेड प्लस का सुरक्षा लेके, हमारा पुलिस लगता है, हमारा पेट्रोल लगता है, हमारा गाड़ी का टायर जलता है, तो इसलिए वो चिट्ठी भेजा गया आपके मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को। चुनाव तक सुप्रियो भट्टाचार्य जी दो रोटी कम खाएगा और हर झारखंडी दो रोटी कम खाएगा और सारा खर्च वहन करेगा, झारखंड तैयार, और उसके बाद चुनाव के बाद बोरिया बिस्तर लेके भाजपा को यहाँ से भेजेगा। मतलब अब बिल नहीं मांगेंगे ना आप लोग असम गवर्नमेंट से, हमने हेमंत बिस्व शर्मा से? झारखंड सरकार का कोई भी ऐसा पत्र है या मुक्ति मोर्चा का कोई पत्र है? नहीं, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का बात उनको दिल पे लग गया है, इसीलिए तो ये पत्र वहाँ के असम पुलिस ने भेजा है ना यहाँ के पुलिस को। काहे को दिल पे लेता है? दिल पे मत लो, दिमाग से लो।
बाबा ये क्लियर कर दीजिए आप, अमित शाह आज आने वाले थे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के, अब वो कल आएंगे कि थोड़ा खर्चा कम हो, क्या मतलब गृह मंत्री जी का भी बिल भेजिएगा असम गवर्नमेंट को कि अलग से लीजिएगा? नहीं नहीं, अब चाहेंगे, बड़ा दिल है असम पुलिस का कि पूरे देश का खर्च यदि उठाएगा तो हम लोग ठीक है, अच्छा है। हम लोग भी अब जब जब आसाम जाएंगे तो हम लोग को भी, हम भाई मेरे यहाँ आ रहे हैं अतिथि देवो भव, जब हम आसाम जाएंगे तो उनको भी ये परंपरा निभानी चाहिए। वो तो पुलिस भेजते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता को किसी को गुजरात से जाके उठा के ले आते हैं, किसी को दिल्ली एयरपोर्ट से उठा लेते हैं, वो तो सर्वशक्तिमान पुलिस है ना। शुक्रिया। डर तो होगा ही अमित शाह के आने से कुछ पॉलिटिकल? बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा डर ही है कि बेचारे आएंगे भी और सभी सीटें हारेंगे भी। ये तो भर कॉन्फिडेंट है आपका? नहीं भाई, दीवार में लिखा हुआ इबारत है, वो आएंगे पढ़ेंगे लौट जाएंगे। अभी 20-25 को और आने वाला है मंत्री लोग, आपको हम बता दे रहे हैं पूरा लिस्ट मेरे पास। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता हमको व्हाट्सएप में भेजा। शुक्रिया। नेताओं का आने का दौरा जाने का लगा हुआ है, पॉलिटिकल बयान को लगता है कि असम पुलिस ने सीरियसली ले लिया, तभी लिखकर पत्र भेजा है कि जो बिल होगा मेरे राज्य के सीएम का जाने का, चूंकि वो जेड प्लस सिक्योरिटी से आच्छादित हैं तो लिहाजा झारखंड पुलिस वो बिल भेज सकती है, असम सरकार उसका पेमेंट कर देगी। राजनीति है, ऐसे ही चर्चा चलती रहती है। मूल चर्चा जो हो आपके काम का वो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.